हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे और रेसिपीज़ को एंजॉय करते होंगे। अगर रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पे हम आपके लिए लेके आए घिया की बिल्कुल नई और अच्छी सी रेसिपी। अगर आपके घर में घिया खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो उनको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, और जो नहीं खाता होगा वो भी खाना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर हमने एक नरम नरम घिया ली थी, साइज़ में ज़्यादा बड़ी थी इसलिए हमने इसे छोटा कट कर लिया था, आधा ले ली थी हमने घिया। घिया को हमने छीलना है और छीलने के बाद हमने इस तरीके से गोल गोल काट लेना है। हमने घिया को छीलने के बाद धो लिया था, धोने के बाद हमने इस तरीके से इसे गोल गोल कट कर लिया। ज़्यादा मोटे पीसेस और ज़्यादा पतले भी नहीं काटना है, हमने मीडियम साइज़ में इन पीसेस को कट करना है। इसके बाद हम इसमें मसाले मिला लेंगे। इसमें डालेंगे हम हल्दी, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा तीखी वाली लाल मिर्च, और एक बड़ा चम्मच हमने बेसन लिया है इसमें, और थोड़ा सा नमक, और इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और इसमें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। जो बेसन है इससे अच्छी सी कोटिंग हो जाती है इसमें, मिक्स करके इसे हम साइड में मैरिनेट करके रख देंगे। इसके बाद हम लेंगे पैन, और पैन में डालेंगे हम सरसों का तेल। हमने ज़्यादा तेल नहीं लेना है यहाँ पे, थोड़ा सा तेल लेना है हल्का सा, ताकि पैन में अच्छे से फैल जाए। और उसके बाद हमने इन सभी हमारी जो घिया हमने कट करके रखी थी इसको हम डाल देंगे इस पैन में, और अच्छे से इसको हम फैलाते हुए इसकी लेयर जो है वो अच्छे से फैला देंगे, और इसको हम सिकने के लिए छोड़ देंगे। इसे हमें फ्राई नहीं करना है, जिसे हमें डीप फ्राई करना है, इसे हमें हल्का हल्का फ्राई करना है, इसे ढक के हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे हमने आधी कटोरी दही का इस्तेमाल किया है। दही में हमने हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला मिक्स करा है। मसालों को हम अच्छे से दही से मिक्स कर देंगे, दही के साथ ये मसाले बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं। इनको मिक्स करके हम साइड में रख देंगे। इसके बाद हमारी जो घिया है इसको हम चेक कर लेंगे एक बार। तो ये देखिए, ये सॉफ्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो इसको हम धीमी आँच पर करके दोबारा से ढक करके इसे और सॉफ्ट हो जाने देंगे। दोबारा से इसे हमें सेट कर लेना है अच्छे से, और इसको हम दोबारा से ढक करके सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद हम लेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे एक बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा चटकने लगेगा तो इसमें हम डालेंगे हींग, और जीरे को अच्छे से चटक जाने देंगे। जब हमारा जीरा चटक जाएगा तो इसमें हम डालेंगे दो मीडियम साइज़ की कटी हुई बारीक बारीक प्याज, और इसको हमने यहाँ पर भुनना है हल्का ट्रांसपेरेंट होने तक। यहाँ पे हमने आंच को मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखा है। इसको हमने हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाने देना है। जब हमारी प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको हमने ब्राउन होने तक प्याज को भून लेना है। तो जब तक हमारी प्याज भुन रही है तब तक आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे हमारी प्याज ब्राउन हो गई थी तो इसमें हमने डाले हैं टमाटर की प्यूरी। यहाँ पे हमने दो मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और उनकी प्यूरी बना करके हमने इसमें डाल दिया है। इसको अच्छे से हम प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर से पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम अपनी घिया को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारी जो घिया है वो ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है, तो यहाँ पर इसको हम चला लेंगे। ये देखिए, अच्छे से ये कुक हो चुकी है, तो इसको हम आँच को बंद कर देंगे अब, क्योंकि ये पक करके रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने इसको साइड में रख देना है। इसके बाद जो हमारी टमाटर की प्यूरी पक रही थी प्याज के साथ, इसे हम चला लेंगे, और इसमें हम मिलाएंगे दही। दही जिसके साथ हमने मसाले मिला लिए थे, इसको यहाँ पे हम मिक्स करेंगे, और आंच को हम बिल्कुल धीमा रखेंगे जब हम इसको मिक्स करेंगे। इसे डालने से जो हमारी ग्रेवी होती है उसका टेक्स्चर बहुत अच्छा आता है, कलर भी बहुत अच्छा आता है, और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर हमने ग्रेवी को अच्छे से पक जाने देना। हमारी ग्रेवी देख सकते हैं अब अच्छे से पक चुकी है, इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। जिसको घिया खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप उसको एक बार ये रेसिपी ज़रूर बना के खिलाना, वो अगली बार से घिया खाना स्टार्ट कर देगा। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, जैसे हमने बनाई आप ऐसे बनाइए, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। इसको आप पराठे के साथ खाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ग्रेवी अच्छे से पक जाने के बाद इसमें हम हमारी घिया को मिक्स कर देंगे अच्छे से। यहाँ पर हमने कसूरी मेथी मिला देंगे, और इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी थी, हमारी जो घिया है वो भी ऑलमोस्ट कुक थी, तो इसे ज़्यादा देर हमें नहीं पकाना है। अगर आप तरीदार बनाना चाहते हैं तो इसमें पानी डाल सकते हैं, नहीं तो थोड़ी देर से ढक करके पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये थोड़ी और थिक कंसिस्टेंसी में हो जाए, थोड़ी और ज़्यादा सूख जाए। ये सूखी सूखी बनती है तो ये रोटी और पराठों के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है, लेकिन अगर आप इसे तरीदार बनाएंगे तो इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं, और वो भी रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। अपने पसंद के अनुसार इसे सूखा
या फिर गाढ़ा रख सकते हैं, इसे सुखा सकते हैं या फिर इसे तरीदार बना सकते हैं। तो हमारी मज़ेदार से घिया की सब्ज़ी बन करके रेडी हो चुकी है। आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं। ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हमारे चैनल पर आने के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद।